ओम शांति। हम सभी को बाबा ने इस जीवन का महान लक्ष्य दिया है। जो मनुष्य अपने लक्ष्य को बहुत स्ट्रांगली अपना लेता है और जो मनुष्य अपने लक्ष्य को पाने के लिए संपूर्ण प्रयास करता है, वो अनेक तरह की व्यर्थ बातों से मुक्त हो जाता है। लक्ष्य के अनुसार मनुष्य में लक्षण भी आने लगते हैं। लक्षणों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, परंतु लक्ष्य की दृढ़ता लक्षणों को जीवन में सहज लाने का साधन बन जाती है। परंतु यह भी सत्य है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए उसकी एक समुचित प्लानिंग भी परम आवश्यक है। बाबा ने हमें एक महान लक्ष्य दिया है कि तुम्हें अपनी स्थिति को विष्णु के समान अचल अडोल बनाना है। विष्णु स्वरूप देखें, विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए हैं, सांपों की छत्र छाया है, चारों ओर सागर में लहरें उठ रही हैं, बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही हैं, लेकिन विष्णु जी गीता ज्ञान में मग्न बिल्कुल अचल अडोल स्थिति में लेटे हुए हैं और वहीं से जैसे सारे संसार को दृष्टि दे रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी पालना कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति होने पर लक्ष्मी चरणों में आ गई है, अर्थात धन संपदा ऐसी स्थिति के बाद चरणों में आ जाती है। हम भी लक्ष्य बना लें कि हमें अपनी स्थिति को विष्णु जी के समान अचल अडोल बनाना है। पांचों विकार हमारी छत्र छाया बन जाएं। ये पांचों विकार ही बड़े नाग हैं, सर्प हैं, इनको अपने वश में कर लेने से ये हमारी छत्र छाया बन जाते हैं और हम इन पर आराम से विश्राम कर सकते हैं। सागर में चाहे कितने भी तूफान हो, अर्थात इस जीवन में चाहे कितने भी माया के तूफान हो, परिस्थिति और समस्याओं के तूफान हो, हमारी स्थिति अचल अडोल रहे, ऐसा हमें संपूर्ण रूप से पुरुषार्थ करना है। इसके लिए ज्ञान की बातों को यूज करना है, बाबा के सहयोग को याद करना है, समर्पण भाव को प्रैक्टिस में लाना है। बाबा का हाथ हमारे सिर पर है, वो सदा हमारी छत्र छाया है, इसके सुंदर अनुभवों में विश्वास में रहना है और ड्रामा के ज्ञान को भी यूज करना है ताकि हमारी स्थिति बहुत अचल अडोल हो जाए। जब हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है और हम गीता ज्ञान में मग्न रहने लगते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हम गीता ज्ञान को स्मरण करते हुए ज्ञान में मग्न रहने का अभ्यास करें। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहकर ज्ञान स्मरण, ज्ञान का चिंतन, मुरली पर बहुत अटेंशन, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो इस सत्य गीता ज्ञान में हम मग्न हो जाएंगे और ये आनंद भी कोई कम आनंद नहीं है। जैसे विष्णु जी जैसे कि शेष शैया पर निश्चिंत होकर लेटे हुए हैं, हम भी ज्ञान मनन से, योग शक्ति से निश्चिंत जीवन का अनुभव करेंगे। और जब हमारी ऐसी अवस्था हो जाएगी तो सचमुच धन संपदा के पीछे हमें भागना नहीं पड़ेगा, वो तो हमारे चरणों की दासी बन जाएगी, वो हमारे चरणों में आ जाएगी, हम अथाह धन संपदा के स्वामी बन जाएंगे। तो आइए हम अटेंशन दें आज कि हमें अपनी स्थिति को विष्णु के समान बनाना है। अपना वो स्वरूप दिन में कई बार हम सामने लाएंगे, ये हमारा भविष्य का नशा भी है और हमारी वर्तमान की स्थिति भी है, हमारा वर्तमान का लक्ष्य भी है। आज सारे दिन में हर घंटे में एक बार हम अपने स्वरूप को सामने लाकर एक प्रेरणा लेंगे कि ये है मेरी सच्ची स्थिति। और फिर सारा दिन एक बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे कि स्वयं ज्ञान सूर्य परम धाम से नीचे उतर कर मेरी आंखों के सम्मुख आ गए हैं। देखें उनको, अपनी आंखों के सम्मुख,
और उनकी शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें सामने से मुझ पर पड़ रही हैं, और मैं हूं मास्टर ज्ञान सूर्य। ये अभ्यास सारा दिन करते रहेंगे, हर घंटे में 2 बार अवश्य करेंगे। ओम चंद।